तो कोई पौधा किसी वजह से ख़राब हो रहा है, कोई पौधा किसी वजह से ये पौधा पूरा सूख चुका है। जो ये गुलाब का फूल है, जो बीच में ख़राब हुए फूल थे वो मैंने निकाल दिए हैं, अभी उनकी जगह पे दूसरे ऐड करेंगे और कुछ कुछ जो पौधे हैं इन पे फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 या 2 हफ्ते में सभी जो पौधे हैं इन पे फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे या आ चुके होंगे। बाकी तो सब ठीक है, पर एक पौधा यहाँ पे है तो ये टूट चुका है, पता नहीं क्यों, शायद ज़्यादा वजन के कारण, या बंदरों ने तोड़ा या लंगूरों ने तोड़ा, पता नहीं। मैं बस ऐसे अभी देख रहा था फूलों को तो ये भी टूटा मिला भी, पता नहीं क्यों हो रहा है इस साल ये सब। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में भाई सब सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित डोबरियाल और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो मेरे गांव का नाम है डोबर और मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल ज़िले से। बाकी अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मेरी भी तबीयत ख़राब चल रही है 4-5 दिन से, माँ की भी तबीयत ख़राब चल रही है, पापा की भी तबीयत ख़राब चल रही है। तो अभी मैं गाय में पानी रख के आया और जो छोटा बछड़ा है उसे बांध के आया। उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ दादी लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि दादी तो रोज़ आते हैं उधर खाना खाने के लिए, पर दादी से नहीं मिला मैं काफ़ी दिनों से, फिर तबीयत भी ढीली चल रही थी, इस वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकला। तो अभी तबीयत थोड़ी सही है, हालांकि जुकाम बुखार है, पर सोचा कि दादी लोगों से मिल लेता हूँ। और दादी आओ बेटा, क्या करे लचा करने? अरे भाई दादी का कर दादी बेटा सींच पड़ी बरांडा पर। अच्छा शाम को लगाएंगे इसको तड़का। तो वैसे बेटा जब तुम उन्होंने राख खंड से तो होता उन राख दे ना बिगे कन। क्या बिगे कन राख होता है ये सही? हाँ अब हम लून डाल दें तो कड़ा खाएंगे ना। बुखार की गोली कितनी कड़वी होती है। है बुखार आता है तो गोली खाते समय देखा नहीं है कितना कड़वा होता है वो। अरे ये जो जो हित करने होते हैं उनसे नहीं काकड़ी वो बोल रहे काकड़ी बीमारी खत्म। तो अभी दादी काट रहे हैं यहाँ सब्जी रात के लिए, अभी हालांकि सुबह के 10:30 बज रहे हैं पर दादी जल्दी काट लेते हैं सब्जी। यही तो जो गोल वेल ये हाँ एक दुई इकम थे हाँ इकम है हाँ बल्टर हाँ बितर बड़न दी क्या ना वो है एक बड़न सही दी क्या ना एक बड़न दिखेना चं हाँ ये क्या एक बड़न तो बहुत दी क्या ना दिखेने से हाँ ना तुम तो निवाल दी गणी। हाँ दादी ने बहुत सारी मेहनत कर रखी है, ये बहुत सारी सब्जियां हैं। यहाँ है ये परवल, परवल की बेल है, और यहाँ पे जो कड़वा करेला होता है वो भी है, और फिर यहाँ राजमा भी है, छीमी बोलते हैं जिसे हम। यहाँ पे भांग का पौधा है, यहाँ पे ककड़ी का पेड़ है जिसे हम खीरा बोलते हैं शहरों में। और मैं आपको बोल रहा था पिछली वाली वीडियो में कि यहाँ जो खीरे होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये है साइज़, और अभी ये ढंग से बनी नहीं है, अभी मतलब बड़ी नहीं हुई है ढंग से, तो ये अभी थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है, पर अभी बहुत बड़ी होंगी है और बहुत पीली। तो मज़ा आता है इन्हें चटनी के साथ में खाने पर। शुक्र यार फूल यो टमाटर पगिन
काफी सारा पकड़ा चन, काफी ठीक चन, काफी सारा चन पकड़ा। हाँ करेला मा, करेला मा मिल गया सब तैयार। शाम शाम दादी बोले कि जब तक तू यहाँ पे बैठा है तब तक मैं अपनी पुरानी फोटो निकाल के लाता हूँ अंदर से, कि तुझे दिखाता हूँ कि मैं पहले कैसे दिखता था। तो अभी मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि दादी पहले कैसे दिखते थे। गुलाब फूल से हाँ में बैठे हूँ। अच्छा और वो इन मेर फोटो खाई दे। अच्छा क्या टाउन वो निरे गया लेटर बक्स बस हर में हर में मेर फोटो खाई जा उन्हें एक रन कंधा एक भी कंधा नंबर रन नहीं कर। हाँ 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 एक में नेम प्लेट रन। अच्छा बिल्ला पाला रन है। वो एवरीम क्या उम्र छे तुम्हारे दादी? 55 56 जेमरी टेरा 58 साल जेमरी टेरा 58। अच्छा कैसी लंबी है भाई? जवान है अभी भी तो जवान ही था है, अभी भी तो जवान ही था। अब तो चेंज हो पर वही बारे देख ले कैसी है दादी या दादी भी क्या हिमा मालिन बनी थी वही बात याद आती थी नहीं याददाश्त था दाई है। हाँ याददाश्त थी सही बात। तो ये है दाजी की पहले की फोटो जब दाजी फौज से रिटायर आए थे। ओके तो बहुत टाइम पहले की है जब दाजी 58 साल के थे और अभी दाजी की उम्र है 94 साल। तो लगा सकते हो कितनी पुरानी है। और ये है इधर दादी की फोटो मेरे पे। तो अभी तो दादी सो रखी इसलिए बता नहीं सकता। तो ये फोटो है पहले की दादी की और ये दादी ने बहुत सारे कुंडल पहन रखे। तो ये पहले रिवाज रिवाज था या प्रथा चलती थी। ये मुरकुल होते थे दादी बोल रहे जो चांदी के होते चांदी खून चाना दादी जो चांदी के होते थे। तो ये पहन रखे दादी ने बहुत सारे और अभी एक ही पहनते हैं। और अभी जितने भी पहने लोग वो सोने के होते हैं पर पहले चांदी के होते थे बहुत सारे। तो दादी जो फोटो लाए थे अपनी और दादी की जो काफ़ी टाइम पहले की है तो उन्हें बड़े प्यार से देख रहे हैं। तो देखो भाई अभी भी क्या प्यार से देख रहे हैं फोटो देखते देखते जा रहे हैं। तो हो जाता है क्योंकि अपनी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और पुराने जो बातें होती हैं पुरानी जो यादें होती हैं उन्हें याद करता है इंसान इन्हीं चीज़ों को देख देख के। जैसे अभी मैं वीडियो बनाता हूँ दादी या दादी की मैं मेन इसीलिए बनाता हूँ कि हम काफ़ी टाइम बाद जब देखेंगे कि भाई हमारे दादाजी दादी ऐसे थे और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बस इसी रीज़न से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। बातों ही बातों में पता नहीं लगा कि टाइम कब निकल गया। अभी 12:30 हो गए हैं दिन के। मैं आया था 10 बजे यहाँ तो दादी और मैं बैठे रहे गपशप मारी। हमने दादी ने अपनी क्यारी वगैरह बताई और कुछ फ़ोटो बताई जो मैंने आपको भी शेयर करी। आप बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो। आपको इसमें कुछ ना कुछ तो बढ़िया लगा ही होगा। तो मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करनी थी वो ये कि जो मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड करी माँ के साथ में जिसमें मैं घास लेने के लिए गया। अगर आपने देखी तो ठीक है, नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में ऊपर लिंक आ रहा होगा तो आप देख सकते हो। देखना ज़रूर और शेयर करना ज़रूर। तो उसमें वही ये दिक्कत हुई कि जो लोग देखते थे मेरी वीडियो को हर व्लॉग को जो लोग देखते थे उन पे भी नोटिफिकेशन नहीं गया उस व्लॉग का और ना लोगों के सर्च करने पे मेरे चैनल का नाम आया। क्योंकि मैंने हाल ही में अपने चैनल का नाम चेंज करके पहाड़ी लल्ला रखा था और फिर मैंने अमित डोभाल व्लॉग्स कर दिया बदल के दोबारा। क्योंकि जब मैंने पहाड़ी लल्ला रखा चैनल का नाम तो लोगों पर नोटिफिकेशन जाने भी बंद हो गए। पता नहीं क्या दिक्कत हुई और मेरा नाम कोई सर्च कर रहा था तो मेरे चैनल का नाम नहीं आ रहा था। तो जो मतलब एवरेज व्यूज़ आते हैं वो नहीं आए, बहुत कम व्यूज़ आए, लोगों तक नहीं पहुंची ये वीडियोस। और अभी आपने बस ये करना है कि जो ये वीडियो है इसका लिंक
लोगों में शेयर करना है, कम से कम दो या तीन बंदों में, अपने दो तीन बंदों में शेयर करना है। बाकी वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक करना है, कमेंट करना है कैसी लगी वीडियो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोगों ने। बाकी दाजी आ गए हैं डोल वगैरह लेके, जो मतलब बर्तन है जिन्हें हम गढ़वाली में बोलते हैं भांड, उन्हें लेके, क्योंकि दाजी दादी के लिए लाएंगे खाना उधर से, खुद वहाँ खा लेंगे और फिर इधर आ जाएंगे दादी के लिए खाना लेके। तब तक दादी बैठ रखी है वहाँ ककड़ी के बेल के नीचे बंदरों को भगाने के लिए, और अभी जब दादी आ जाएंगे खाना लेके तो फिर दादी वहाँ से हट जाएगी, दादी सो जाएगी दोबारा से। और हाँ हाँ वही तो फिर दादी की ड्यूटी हो जाएगी शुरू वहाँ से। बाकी हाँ वही तो बाकी अभी हम अपने घर की तरफ पहुंचने वाले हैं। इधर है अपना घर, नीचे दूर है काफ़ी वहां से, और मैं दादी को बोलता हूं कि इस रास्ते मत आया करो दिन में, क्योंकि आजकल है सांप का डर। जो ये धूप लगी हुई है सितंबर की धूप, इसमें अक्सर आप लोगों को अगर पहाड़ों में चलोगे रास्तों पे तो आपको सांप दिखाई देगी ज़रूर। तो दादी को कहा मैंने, कहा सांप का डर रहता है ऊपर के रास्ते पर बना हुआ, तो दादी बोले कि ये शॉर्टकट रास्ता है इसलिए मैं इधर से आता हूँ, तो सांप दिखाई देगी तो मेरे पे डंडा है उसका जुगाड़। बाकी अभी चलते हैं खाना वगैरह खाते हैं, मैं आपको डायरेक्ट शाम को मिलता हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिखाने के लायक है नहीं घर में। तो दोस्तों अभी शाम के 5 बज गए हैं, और जब मैं दादी के घर से आया था दादी के साथ में, तो उसके बाद मुझे पता लगा कि जो हमारे साथ में लड़का घूमता है तन्नू, तो उसका जन्मदिन है आज। तो मैंने सोचा कि आज का कंटेंट मिल गया है वीडियो पूरी करने के लिए, तो अभी चलते हैं गांव में उसे विश करते हैं, क्योंकि आज लड़के लोग इधर आए नहीं, और दिन आ जाते गेम खेलने के लिए, तो हमें करनी है वीडियो पूरी। और चाची बैठी जा, कीर्तन अम्मा भूप कीर्तन, हाँ पर चलिए मामूडी जन्मदिन मुबारक हो। तो आज इसका जन्मदिन है, और इसके लिए मैं स्पेशल आया अपने इधर से इतनी दूर, मैंने कहा आज इसे जन्मदिन विश करूंगा। कुछ चीज खिला यार, जन्मदिन से कब से खिल सला पर जन्मदिन में आपकी खाण है लाभ को वो कौन है खिल जा यार ठीक है उन जगह निपट टकला जगह फुड़िया जाते यार जल लपकोड़ ला भाई कम लाइन ना यार कब यहां भीड़ में जान चाहते दुई पकोड़ ला की सौंदर्य का दुकान मेरा सो में मां रस दी तू चुलम चढ़ाओ तेला जब चुला चढ़ाया जो होता ना ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो जो इसकी हेयर कट है इसे 3 या 4 लोगों ने काटा भाई,